हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक हॉट एयर गन जो कि मैं मार्केट से 1000 रुपये की लेकर आया हूं, और इसी हॉट एयर गन की मदद से मैंने जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल के बटन को रिपेयर किया है। लेकिन वही टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसी टाइम इसके जो है एक दिक्कत हो गई थी, वो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कागज़ को ले लिया है, ये देखिए यहाँ पर। अब ये देखिए, मैं जैसे ही इस हॉट एयर गन को चलाता हूँ तो जो एयर का जो प्रेशर है वो उतना नहीं लग पा रहा है पेपर पर। ये देखिए, लग रहा है लेकिन उतना नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पर जो दिक्कत है वो मोटर की दिक्कत है या फ़ैन की दिक्कत है, वो मुझे कंफर्म नहीं थी, जो कि जब तक मैंने इसको ओपन करके नहीं देखा था। अब जब मैं इसको ओपन कर चुका हूँ और ठीक कर चुका हूँ तो मुझे अभी यहाँ पर दिक्कत का पता है, लेकिन तब नहीं मुझे पता था। तो यहाँ पर मैंने पहले ही सोच के चला था कि अगर इसमें दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर ये जो कि 12 वोल्ट पर चलने वाली मोटर है जो कि इसमें लगी हुई है, सेम यही मॉडल जो मोटर है वो लगी हुई है इसी मॉडल की, तो मैं इसी मोटर को यहाँ पर लगाने वाला हूँ इसके अंदर। तो मैंने पहले ही यहाँ पर सोचा हुआ था कि मैं इसको अगर मोटर की दिक्कत होगी तो वो हम मोटर यहाँ पर चेंज करेंगे, और अगर मोटर की दिक्कत नहीं होती है तो हम यहाँ पर कुछ और दिक्कत करेंगे, चेक जो होगी इसमें जो भी दिक्कत होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर लिया, और जब मैंने ओपन किया इसको तो मुझे यहाँ पर दिक्कत जो है नहीं, बहुत ही छोटी सी दिक्कत थी, लेकिन मेरे को जब तक पता नहीं चला उसके बारे में जब तक मैंने इसको प्रॉपर जो है ऑन करके नहीं देखा था। तो जब मैंने इसको एक बार चेक करके भी देखा, मैं यहाँ पर देख ही नहीं पा रहा था कि इसकी जो दिक्कत है वो यहाँ पर भी हो सकती है। तो जनरली हो सकता है कि ये, या ज़्यादातर भी हो सकता है कि ये यूज़ करते करते ये दिक्कत आपके साथ हो। तो इसीलिए मैंने ये पूरा आपके लिए वीडियो बनाया है कि आपके साथ अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आप उसको तुरंत ही से उसको रिपेयर कर पाएँ और ठीक कर पाएँ। तो यहाँ पर जो दिक्कत है वो इसमें इसके फ़ैन में दिक्कत है, जो कि मैंने यहाँ से इसे ओपन किया, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं जैसे ही इसे ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत जो फ़ैन है ना इसमें दिक्कत है वो ये देखिए पिन मैंने ले लिया है, इसके जो खांचे हैं जहाँ पर मोटर का बिट लगता है ये बिल्कुल क्रैक हो गया है, इसमें क्रैक पड़ गए हैं घूमने की वजह से या कुछ भी हो सकता है उसकी वजह से, जिससे इसकी मोटर के जो बिट होता है जो होता है उस पर क्या पकड़ नहीं बन पा रही है। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर फेविक्विक को ले लिया और उसमें होल में लगा दिया, और कागज़ इसमें ये इस पर चिपक गया है। तो ये आप अगर ये लगा भी दें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर तो मेरे साथ ये इसमें लगा रह गया। तो जैसे ही मैंने इसमें लगाया फिर से फ़ैन को मोटर के बिट में, तो ये देखिए अब ये प्रॉपर उतने बढ़िया तरीके से लग गया, लेकिन जब मैंने निकाला था तो बहुत ही ईजिली ये यहाँ पर निकल गया। और जैसे ही मैंने इसका प्रेशर चेक किया है एयर का इसको चलाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मोटर है इसमें जो लगी हुई है वो एकदम ओके है, बस यहाँ पर फ़ैन के जो खांचे थे वो यहाँ पर जो है टूट गए थे। अब मैंने इसे पैक कर देता हूँ, और उसके बाद जब मैंने इसको चलाया तो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर था वो सेम वैसा ही था जब मैं इस मोटर को, इस हॉट एयर गन को नई लेके आया था। और मैं यहाँ पर आपको उसका जो फ्रेश प्रेशर है एयर का वो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने चालू किया, अब ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मोटर उसको हॉट एयर गन को, तो वैसे ही यहाँ पर जो है एयर का फ्लक्चुएशन आप देख पा रहे होंगे, कागज़ जो है यहाँ पर वो आगे पीछे हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जब नहीं हो रहा था जब मैंने पहले चेक किया था तो वो मेरे को दिक्कत कन्फर्म नहीं हुई थी। जब मैंने इसको चेक किया खोल के तब मुझे पता पड़ा कि इसके खांचे में ये दिक्कत है। तो ये छोटी सी दिक्कत, लेकिन बहुत बार होता है, मेरे दिमाग में आया था कि मेरे यहाँ पर पैसे ख़राब हो गए, मुझे दूसरी हॉट एयर गन लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने इसको ऑन करके देखा, खोल के देखा तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ पर ये इसकी दिक्कत थी और मैंने इसको ठीक कर लिया। अगर मोटर की दिक्कत होती तो मैं यहाँ पर मोटर को ठीक करता, और मुझे तो कभी कभी ये लग रहा था कि हो सकता है इसके एलिमेंट में ही दिक्कत हो, क्योंकि मैंने इसको ओपन नहीं किया था, मुझे लगा था कि हो सकता है इसका एलिमेंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो पता पड़ा कि इसमें एलिमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं, मोटर में भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो दिक्कत थी वो फ़ैन में थी जिसके खांचे जो हैं टूट गए थे, और हमने उसमें 5 रुपये की फेविक्विक लगाने के बाद अच्छे से फिक्स कर दिया। तो हमारा जो है जो हॉट एयर गन है वो पहले की तरह ही अच्छे तरीके से काम करने लग गया। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऑसम वीडियो के साथ। हैव नाइस डे, बाय फ्रेंड्स।